नमस्कार दोस्तों, थोड़ी द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों को एक मनी नॉट के बारे में बताने वाली हूँ। नॉट यानी गांठ, और इस गांठ को हम कैसे लगाते हैं अपने विश को फुलफिल करने के लिए, पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं को अंत करने के लिए, लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक विश नॉट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ आज, और इसे जिस चीज के लिए उपयोग में लाते हैं वो आपके किसी भी विश के लिए लाते हैं। मैं हमेशा अपने चैनल में बहुत सारी चीजों, टेक्निक्स, मंत्र, पूजा पाठ, ये सारी चीजें बताती हूँ, क्योंकि आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आप कर सकते हैं आप जरूर कीजिए, और साथ में कर्म तो जरूर कीजिए और धर्म के साथ एक जुड़ाव आपका जरूर बना रहे, ठीक है। तो ज्यादा देर नहीं करती हूँ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे सपने होते हैं, पैसे से जुड़े हुए, घर से जुड़े हुए, कर्ज बढ़ जाता है, कर्ज कैसे खत्म होगा, संतान, और फिर सबके साथ रिलेशन, प्यार, ये सारी चीजें, शादी वगैरह सारी चीज हमारे जीवन में अनायासी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है। यानी कि एक लाइफ साइकिल है जो हमेशा एक सॉल्व होता है तो दूसरा फिर से तैयार हो जाता है, जिसे हम लोग प्रॉब्लम कहते हैं। तो अब आपके सामने जो मैं चीजों की बात कर रही हूँ वो सिर्फ तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। पहली चीजों की जरूरत पड़ेगी एक येलो पेपर, ठीक है। ये मैं स्टिक नोट आपको किसी भी किताब की दुकान में मिल जाएगा। मैं बहुत सारे कलर्स इसमें रहते हैं एक स्टिक नोट में, मैं इसे यूज करती हूँ। तो आज जिस चीज की जरूरत है वो है येलो कलर के पेपर की, ठीक है। अगर आपके पास येलो कलर नहीं है, कोई और कलर है तो कर लो, बस ब्लैक को अवॉइड करना, ओके। मैं यूज कर रही हूँ येलो कलर का। दूसरी चीज की जिस चीज की जरूरत होगी वो है सिनेमन पाउडर। कम्प्लीटली इसे अंडरस्टैंड करो कि सिनेमन हम लोग दार चीनी को कहते हैं, ठीक है। आपके मसाले में, आपके घर में इसका उपयोग होता ही है। तो ये जो दार चीनी पाउडर है यानी सिनेमन जो है, ये हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, इन सारी चीजों को लेकर आती है, ठीक है। तो दूसरी चीज है सिनेमन पाउडर। तीसरी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रुमाल, ओके, हैंकी, ठीक है। मैंने व्हाइट कलर लिया, आप येलो भी ले सकते हो, आप कोई और कलर का भी ले सकते हो, नहीं तो फिर आप रेशम का जो हैंकी होता है, रेशम का मखमल सैटिन वाला, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। सैटिन क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर सैटिन का यूज करती हूँ, बिकॉज सैटिन रिप्रेजेंट करता है कि आपके वीनस को। तो सैटिन जितना मुलायमदार, जितना चमकदार कपड़ा होता है, उससे माँ लक्ष्मी अनायासी प्रसन्न होती है, खुश होती है, एंड वीनस भी आपका उसी प्रकार से चकाचक बनता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ रुमाल की टेक्निक बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको पैसे चाहिए, मान लीजिए आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, मान लीजिए आपका लव लाइफ बहुत खराब है, हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर दोस्त हो, मन वो डाउट चल रहा है, किसी भी तरीके का अगर कोई विश है और आपकी पूरी नहीं हो रही। अपना घर, अपना घर के लिए मैंने आपको मंत्र बताए हैं पिछले वीडियोस में। तो कोई भी आपके विश है, डिजायर्स है, उससे पहले तो आपको स्ट्रीम से लिखना है। पहले स्ट्रीम लिखेंगे, फिर अपने विश को लिखेंगे, एंड उसे लाल कलम का ही यूज करना, नहीं तो ग्रीन पेन का यूज करना, ब्लू पेन भी कर सकते हो, ब्लैक को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। स्ट्रीम लिखेंगे, अपने विश लिखेंगे, उसे सर्कल में बांधेंगे, फिर नीचे स्ट्रीम लिखेंगे, ठीक है। ऊपर स्ट्रीम, बीच में आपके विश, एंड नीचे स्ट्रीम। मैंने छोटा पेपर लिया है, आप चाहो तो बड़ा पेपर ले सकते हो। उसके बाद आपने, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पेपर में आपको थोड़ा सा जो सिनेमन पाउडर है इसे स्प्रिंकल करना है, यानी छिड़कना है। छिड़कने के बाद क्या करना है कि आपको इस पेपर को लेना है, और जो भी आपने डिजायर्स या फिर जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो आपने इस पर लिखी है, उसे आपको अपनी तरफ अपनी तरफ ऐसे करके फोल्ड करना है, ओके। तो इसके तीन फोल्ड करेंगे, और जितने भी फोल्ड करेंगे उसका मुंह जो होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ऐसे, ओके। ये हो गया आपका विश नोट। ये नोट है जिसमें आपने लिखा है। अब क्या करेंगे, अब आपको जो करना है, आपको एक रुमाल लेना है, ओके। ये चिट्ठी को, जो भी आपने लिखा है, आप इसका एक प्रयोग और कर सकते हैं कि आपको चिट्ठी लिखना है, ईश्वर को चिट्ठी लिखना है, अपनी इच्छाएं बतानी है, तो वो भी आप इस नोट में लिख सकते हैं। बस इसका एक नियम होता है कि ऊपर आपको श्रीम लिखना होता है, नीचे आपको श्रीम लिखना होता है, और जो भी आप विश लिख रहे हैं उसे आप सर्कल में उसे बांध देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो नोट आपने लिया, ठीक है, ये मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ,
इसे आपको ऐसे यू ऐसे ऐसे करके आपको अंदर की तरफ आपकी तरफ, और जब आप इसे बंद कर रहे हो, आप इसे जब भी फोल्ड कर रहे हो, तो आपको जो भी बोलना है अपने मन ही मन, अपनी इच्छा की, कि ये चीजें पूरी हो गई हैं और मैं बहुत दिल से ये कर रहे हैं, आपको अपने विश को बोलते रहना है लगातार, कि जो आप चाहती हैं कि मुझे चाहिए और मुझे मिलने के बाद मैं बहुत खुश होंगी, कुछ प्रोमिसेस भी कर दिया कीजिए ईश्वर से, लेकिन वो प्रोमिस को भूलना नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे नॉट बांधनी है, एक दो एंड तीन, ये आपकी विश नॉट टेक्निक है जो आपकी रेडी हो चुकी है। ये विश आपने लिखा, देखो ये सारी चीजें बिलीव के ऊपर है। आप अगर इससे चाहते हो कि इस पर आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए, तो इसको पूरे पूरे तौर पर विश के साथ करना, यानी पूरे को पूरे ट्रस्ट के साथ इस टेक्निक को करना है। उसके बाद क्या करना है, जब आपने इसे नॉट में कन्वर्ट कर दिया, आपने तीन नॉट लगाए, इसके बाद इसे हाथों में लेना है और आपको कहना है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो ये विश है ये बहुत जल्द पूरी होगी। अब आप माँ भगवती का नाम ले सकते हैं, भगवान शिव का नाम लिख सकते हैं, कृष्ण का नाम लिख सकते हैं, आपके जो भी इष्ट देव है, आप जिनसे ज्यादा आपको लगता है आप कनेक्टेड है, आप उनका नाम लेकर इसे ऐसे हाथ में बंद करेंगे। बंद करके आपको कुछ देर तक आंखें बंद करके आपको उनसे प्रेयर करनी है, आपको उनसे कहना है कि आपकी ये इच्छा बहुत दिल से आप चाहते हैं कि ये पूरी हो और आपको पूरा यकीन है कि ये पूरी हो जाएगी। इसके बाद ये जो नॉट जो विश नॉट है ये आपको एकदम ऐसे जगह पर रख देना, या तो आप अपने अलमीरा का प्रयोग कर सकते हैं, आपको ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े। याद रखिए, कभी भी कोई रेमेडीज यूज करते हैं जो गुप्त होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को बताकर अगर कोई भी अपने विश को करते हैं ना, तो वो नहीं पूरी होती है, बहुत हद तक उस पर पहले ही रोक लग जाती है। तो इसीलिए ये एक गुप्त प्रयोग है और इस गुप्त प्रयोग को आपको छुपा कर रखना है। एटलीस्ट इसे मंदिर में भी अगर आप रखते हैं तो ऐसे स्थान पर रखना होता है जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े, ठीक है। तो इसे आप ऐसे गुप्त स्थान पर रख दीजिए। अब अगर आपके एक महीने दो महीने या सात दिन या फिर दूसरे दिन ही आपकी ये विश पूरी हो जाती है, तो फिर आपको इसे निकालना नहीं है, क्योंकि इसमें एक एनर्जी आपने डाली है और एक एनर्जी को आपने इसमें बंद किया है, तो उसे फिर खोलने की जरूरत नहीं है। इसे वहीं पर रहने दीजिए जहां पर आप इसे रख सकते हैं। आप बहुत बड़ी भी मत बनाइए जिससे आपको रखने में दिक्कत हो, आप छोटी से छोटी नोट भी बना सकते हैं और छोटी चीज को भी आपको रखने में आसानी होती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे बनाइए, इस विश नोट को तैयार कीजिए और अपने अलमीरा में या फिर किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर आपकी सिवा इसे और कोई ना देखे और ना जाने, और इसे आजीवन आप रख सकते हैं। अब मानिए आप नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि रखते हैं तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आपने एनर्जी डाली थी और वो फुलफिल हो गई है, तो उसे रखने में ही भलाई है। फिर भी अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप किसी भी संडे के दिन इस प्रयोग को कीजिएगा, खोल देगा, नोट को खोलिएगा, उस चिट्ठे को जो आपने नोट इसमें डाला है उसे पानी में बहा दीजिएगा और इस रुमाल को संभाल कर अपने साथ रख दीजिएगा, ठीक है। ये छोटा सा टेक्निक है लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण जरूर होती है जब जब आप किसी चीज को गुप्त रखकर ईश्वर के साथ एक कन्वर्सेशन क्रिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो पूर्ण जरूर होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे उपाय मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।